الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساهلنا أشكى لنا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشي بڑی الصلاة والسلام عليه الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں عزیز بھائیوں ماہ ذیکاج شریف دا میرا خیال آخری جمعہ ہے چوتھا جمعہ ہے مضمون جو بیان کیتا جا رہا ہے عظمت مدینہ شریف نبی مکرم شفیع معظم روح کائنات جان کائنات وجہ کائنات باعث تخلیق کائنات جگد داتا مختار کل حاجت روا سید الانبیاء قائد المرسلین سید المرسلین سیدہ زہرا پاک دے بابا جان حسنین کریمین دے نانا جان خدا دی خدائی دے بادشاہ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری دعا گو ہاں خالق کائنات صحیح صحیح بیان دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے محترم سامعین حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کی ارشاد فرمایا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک دانستہ یا نادانستہ
कस्तन या सहवन, अगर अपनी जाना ते जुल्म कर लवो, अगर दानिश्ता या ना दानिश्ता, कस्तन या सहवन यानी भुलेखे नाल या जान बुझ के अगर लग्जिश हो गई, गलती हो गई, गुनाह हो गया, तो फिर की करो, मेरे महबूब दी बारगाह वल आ जाओ और आके अपने गुनाह ते शर्मसार होवो। हाय हाय हाय, महबूब दी बारगाह चा के अल्लाह वल रजू करो, अल्लाह दी बारगाह च अपने गुनाह दी माफ़ी मंगो। जो सिदके दिल नाल मेरे यार दी बारगाह च हाजिर हो के अपने गुनाह ते नादम हो के माफ़ी मंग लेंगा, फिर अल्लाह फरमाउंदा है जदों तू माफ़ी मंगेगा फिर मेरा यार जड़ा है तेरी सिफारिश करेगा। हाय हाय, यही तो असं मसला समझाना चाहते हैं कि मेरे नबी की शान ही वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन वास्ते हजूर रहमत ने, और कैसा बदनसीब आदमी होएगा जो हजूर की रहमत तो बाहर निकल जाए। रहमत कुल, हाय हाय, रहमत कायनात, रहमत कायनात की बार अल्लाह खुद भेजता है। हाय हाय, गुनाह रब दा है ते भेजदा यार दे कोल। काश ये मसला समझ में आ जाए भाई, माफ़ी जड़ी है ना, माफ़ी जितों मिलनी है और ज़हरा पाक दे बाबे दी बारगाह है, और जिस माफ़ी दे अंदर वसीला मुस्तफ़ा नहीं वो कोई माफ़ी नहीं, अल्लाह भी खुश नहीं। अल्लाह अकबर। तो इस तरह अल्लाह ने तरगीब दिलाई है, हुक्म फरमाया है, तवज्जो दिलाई है इंसान को कि अगर तू अपने गुनाह में नादम हो जाए, गुनाह का हो जाना कोई बड़ी गल नहीं, लग्जिश पॉसिबल है एज ए इंसान, लग्जिश पॉसिबल है, बंदा गलती कर जाता है। अल्लाह अकबर। तो फिर करे की फरमाए, मेरे महबूब की बारगाह च आ जाए और आके मेरे यार नूं वसीला बनावे, और ना अखा चांसू हों रो के मेरे महबूब नूं अर्ज करे कि सोने माफ़ी लै दे। फिर मैं जो फिर मेरा यार सिफारिश करे, जो मेरा महबूब सिफारिश करे, अल्लाह फरमाउंदा फिर मैनू रहीम पाओगे, उस वेले गुनाहों की माफ़ी हो जाएगी। मालूम होया जो माफ़ी मिलनी हो मदीने के ताजदार की बारगाह है, लेकिन इंसान अगर थोड़ा जहा कोशिश करे, और सबसे बड़ी बात है जुर्म पे नादम होना, खता पर पशेमान होना, गलती पर शर्मिंदा होना, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में शर्मसार होना, तो ये उसकी कुदरत है और वो मुतकब्बर भी है। वो कहता है मेरे सिवा किसी को तकब्बर जो है वो जायज़ नहीं है, मैं सिर्फ मुतकब्बर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई तकब्बर नहीं कर सकता। तो वो खालक है, मालक है, और उसकी शान है कि वो कादर मुतलक है, रहीम है, करीम है, मालिक है, खालक है, सब कुछ है। वो सिर्फ ये देखता है कि जब इंसान नादम हो के उसकी बारगाह में सर पर सजूद होता है, फिर अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार करते हुए अपने महबूब के सर के माफ़ी अता फरमा देता है। माफ़ी मंगना को भैड़ी गल नहीं, बोलो तो सही, अल्लाह की बारगाह मंगनी है ना, बंदे को थोड़ी मंगनी, अल्लाह की बारगाह से मंगनी। और जब अल्लाह की बारगाह में इंसान, मैं कहता हूँ, मैं अपनी मैं कहता हूँ कि मैं कायनात में तब आप सब लोग मुझसे नेक हैं, मैंने भी कलमा उस नबी का पढ़ा है, आपने भी उस नबी का पढ़ा है, मैं कहता हूँ सबसे आप नेक हैं, मैं सबसे गुनाहगार हूँ। तो जो मैं मसीते आके आखा या अल्लाह मैं गुनाहगारा, मेरे कहते फुल्ला चले ने, नहीं समझ सके बात को, रब की बारगाह जाखना है ना। तो जो अल्लाह की बारगाह वेंदा है, वो आंदा है नादम ना होके शर्मदा है, शर्मसार है, रब आंदे जा कोई गल नहीं माफ़ी दे दे, वो अल्लाह की बारगाह। तो अल्लाह ने वो एक तरीका दस दिता है, एक दस्तूर वजह कर दिता है कि मेरे यार की बारगाह छा के खिदमत हो जाए। और इतने आयमा मुफसरीन मुहद्दसीन ने फरमाए कि जाओ का तो मुराद, आयमा ने लिखे जरा उन्होंने जाओ का तो मुराद भी यही है कि दरबारे मुस्तफा दे विच आ जाओ,
ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਦਰਬਾਰੇ ਮੁਸਤਫੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਦਰੁਲ ਫਾਜ਼ਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਨਈਮੁਦੀਨ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹ ਅਲੈਹ, ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੌਕਾ ਸੇ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਪੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਆਜ ਵੀ ਵਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਹਰ ਅਗਰ ਨਬੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਤੇ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਬਰ ਪੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। साहिब तफसीर रूह अल्बानी अल्लामा सैयद महमूद अलूसी रहमतुल्लाह, आपने भी यही कहा है कि जाओ का से मुराद हजूर की बारगाह में हाजिर होना है। और आज भी शख्स नादम हो कि जब हजूर की बारगाह में आता है तो फिर क्या है, आंखों में आंसू हो और वसीला हजूर का हो। तेरे रब देर दिल अंदरा बंद है, बस इन्नी गल से मेरे महबूब की बारगाह तो पूरी तौबा करके देवे। और अल्लाह की बारगाह में नबी मासूम अनिल खता है ना, बोलो नबी से खता का अमकान भी नहीं, अमकान भी नहीं। तो जहां एक नबी से खता का अमकान नहीं है, मेरा नबी तो इमामुल अंबिया है, जहां से गलती का अमकान भी नहीं और इसके बावजूद 70 मरतबा हजूर रोजाना अल्लाह की बारगाह में तौबा करते होते थे। हाय 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 हाय, बदनसीब आदमी को ये इस मसले का क्या बताए, 70 मरतबा दिन बिच अल्लाह की बारगाह हजूर तौबा करते सन, जिथे गुनाह भी कोई नहीं। मेरा नबी तौबा है, बल्कि अपने अबाओ अजदा बच्चे बैठा के अपनी औलाद को बैठा के हजूर ने अल्लाह की बारगाह तौबा करनी, जिथे जहाँ पे गुनाह का तसव्वुर भी नहीं है। तो ये अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करना, अल्लाह की बारगाह में रजू करना, तौबा करना, ये तो हजूर की सुन्नत है, अम्बिया की सुन्नत है और अहले बैत की सुन्नत है, असहाब रसूल की सुन्नत है। ज़ोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह। तो इस तरह फिर बात जड़ी तवालत ना पकड़ जाए कि मैं अर्ज करनी चाहना, तो फिर मैं अपनी जानते ये नहीं कि छोटा गुनाह हो तो फिर नहीं, वड्डा वे छोटा वे कसदन होवे साबन होवे जान बुझ, फिर मैं ये कोई गर्ज नहीं, बस एक बार मेरे यार की बारगाह च आ जाए तो मेरे यार नू मुश्किल कुछ हाल समझ के आवे। हाय हाय हाय, मेरे नबी नू जिंदा माफ़ी तो वही मंगेगा ना, जरा हजूर जिंदा मंगता होगा, तेरा जिंदा मनेगा मेरे नबी नू, वो आके आखेगा या अल्लाह तेनों यार सुल्ला मेरी सिफारिश कर दो, या अल्लाह तेनों तेरे यार का वास्ता है। और जिस तरह मौला कायनात ताजदार हल अता असदुल्लाह गालिब अमीर मोमिनीन इमाम मुत्तकीन सरताज सैयदा जहरा हसनैन करीम मैन दे बाबा जान और जान मुस्तफ़ा फातह खैबर कुल ईमान मौला अली पाक आप फरमाते ने कि 3 दिन गुजर गए सी हजूर दे विसाले बाद शवाहिदुल हक पेश कर रहे हैं, शवाहिदुल हक 3 दिन गुजरे सी हजूर इस्लाम विसाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए सरकार अल्लाह हक। तो जिस वक्त फरमाया सी वेखे एक बंदा किसी दूर दराज तो एक पिंड विचों आया, तो आके पहले उन्हें सानू पूछा मैं हजूर में मिलना चाहना, असी दस्या यार तो ते लेट हो गए सरकार, तो 3 दिन हो गए ने बाजार पर्दा कर गए ने। मौला कायनात ने फरमाया वो बंदा हजूर की कबर से चला गया। मैं क्या आख्या जे हवाला जात होंगे ने सिर्फ आशकों वास्ते ने, यह नहीं कि मैं किसी भाभी तो बंदी शीन किसी होरों वाला वो वजह पी उन्होंने तो मनना ही नहीं, तो सानू गर्ज भी कोई नहीं, असी क्यों असी तो फिरका वाली तो लाना भेजने, असी तो प्यार मुहब्बत वाले बंदे हैं, तो असी जोड़ा है ये तुम्हें आशकों हवाले दे देने अपने बजुर्गों किताबा ताकि पता लगे ये मसला है, तकसला नहीं भी कई मौलवी अपने को रेड़ चढ़ते हैं, कई अपने को रेड़ के एवं आखना कि अधीस है अपने, उन्होंने पता भी ये बंदा अगू जरा माल्टे बेचता है उन्होंने पता अधीस है कि नहीं, और बद्यांती या दयानदार तो मौलवी के मोढ़े के उ आ गई है ना, बद्यांती करेगा तो आप ही अल्लाह की बारगाह मुजरम होएगा, तो दयानदार अगर होएगा तो फिर ऑटोमैटिकली लोगों के उ असर होएगा, समझ आई नहीं। तो इस तरह मौला अली पाक फरमाया बंदा आके जिसने पूछया तो हजूर के कबर से चला गया, अली पाक फरमाते असं वेखते रहे भी करता की करदा की, उस बंदे ने आके मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ रहने वाले पास बह गया, तो रो के आंदा सोने मैं लेट हो गया, जुर्म बड़े किए ने, कुरान आंदा वलो अन्नहुम अन्फुसहुम जा सोने लेट हो गया, तेरी बारगाह हाजिर हो गया, मेहरबानी करो यार सुल्ला माफ़ी मिल जानी चाहिए। मौला अली फरमाते मैं मेहनता रहा उन्होंने खलो के हजूर की कबर की मिट्टी चुक चुक के अपने सिर च पा रहा है। अल्लाह अकबर, खाके मजारे मजारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुक चुक के अपने सिर विच पाउंदा है पिया,
ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚ ਆਂਸੂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਯਾ ਰਸੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਖਾਂ ਚ ਮੋਟੇ ਸਿਆਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਦੀ ਗਿਰਿਆ ਜ਼ਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਸ ਕਦਰ ਬੰਦਾ ਰੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ ਇਹ ਵਦੂਹਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮਾਂ ਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਮੈਂ ਇਤਰਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਇਤਰਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਹੋਣੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੋਤੀ ਹੈ इतराफ करना बड़े होने की दलील होती है बोलो सुभान अल्लाह ये मां जाग दे काजल वाले महबूबा मेहरबानी फरमाओ हजूर मैं बड़े गुनाह किए ने बड़िया लगसा हुई ने सुने मैंने हर जुर्म किया जाने अनजाने से इंसान है ना भुलना आ रहे भुलेखा भी लग जाता है माफी मांग लवे बस कह कह लो जरा मिलके मैंने हर जुर्म किया से मैंने हर जुर्म किया इतराफ करो इतराफ हजूर भी वेख रहे ने खुदाए वहदहू ला शरीक भी वेख रहा है अपनी मैं तो बई गुनाहगार आदमी आप सारे गुनाहों के इतराफ अल्लाह रसूल की बारगाह च कर लीए अल्लाह माफ करने वाले अपने महबूबे करीम के सदके नाल कह लो जरा मिलके मैंने हर जुर्म जाने अनजाने से हर खता माफ हुई तेरा बन जाने से मैंने ए वदुहा दे चेहरे वाले हामीन दे कुंडल वाले महबूबा मेहरबानी फरमाओ अल्लाह फरमाउंदा मेरे यार दी बारगाह च हाजरे खिदमत वजो माफी मिल जाएगी हजूर अमलां दी ते हसीयत अमल के पेश नजर जो मैं होता रुसवा बच गया नार से मैं तेरे फरमान मेरा यार जो सिफारिश करेगा फिर की होएगा बच गया नार से मैं तेरे फरमान से हर खता माफ हुई ने से मैंने हर ए मां जाग दे काजल वाले महबूबा मेहरबानी फरमाओ कुछ और बख्ता वाले ने जेडे हजूर दी कबर ते चले जांदे ने कुछ इत्थे बैठ के अर्ज़ मरूज़ कर दिने वदुहा दे चेहरे वाले महबूबा मेहरबानी फरमाओ निजा के वक्त हाय हाय आखरी वेला होवे सोने सामने तेरा मुखड़ा होवे हो आखरी वेला होवे सामने तेरा दीदार होवे दुआ दे चेहरे वाले जोर ना बोलो सुभान अल्लाह कहो आमीन आमीन निजा के वक्त करम अपने गदा पे करना काम बन जाएगा तेरे आ जाने से काम बन तेरे आ जाने से हर खता माफ हुई तेरा बल बहरहाल मुसलमान भाइयों मौला कायनात ने फरमाया कि होंदे प्यार बंदा जिसले हजूर दे कदमां च बैठ के माफी दा तलबगार है या सैयदी या रसूल अल्लाह हजूर बड़े जुर्म कीते ने माफी दा तलबगार आ मौला कायनात फरमाउंदे बहने हजूर दी कबर दे विच्चों आवाज आउंदी है आउण वाले आ जा तेरे गुनाह माफ कर दिते गए ने ओए हाय हाय अल्लाह आने वाले आ जा तेरे गुनाह बोलो आने वाले आ जा तेरे गुनाह माफ कर दिते गए ने आया किथे कब्रे रसूल उते कब्रे रसूल जुते आए मुसलमान भाइयो कब्रे रसूल उते होंदे पिया ते आवाज की होंदी कब्र दे विचों आने वाले आ जा तेरे गुनाह माफ कर दिते गए ने मालूम है मुसलमान भाइयो मेरे नबी नूं पता होंदे कौन कौन आए किस मकसद नाल आए गुनाहगार आवे ते नबी सिफारिश करदा है
ਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੋ ਰੋਜ਼ਾ ਏ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮੁਹੱਦਸੇ ਦਹਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਲੈ ਔਰ ਇਮਾਮ ਯੂਸਫ ਨਿਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਸਨੀਫ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਮਾਮ ਯੂਸਫ ਨਿਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਤਸਨੀਫ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮੁਹੱਦਸੇ ਦਹਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਤਸਨੀਫ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਹਦੀਸੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮੰਜ਼ਾਰ ਕਬਰੀ ਵਾਜਬਤ ਲਹੂ ਸ਼ਫਾਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੇ ਆਖਾਂ ਫਰਮਾਏ ਓ ਗੁਲਾਮੋ ਆਓ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਮੰਜ਼ਾਰਾ ਕਬਰੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਵਾਜਬਤ ਲਹੂ ਸ਼ਫਾਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੋਲੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਜਬ ਹੋ ਗਈ ਇਮਾਮ ਯੂਸਫ ਨਿਬਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏ ਮੁਹੱਦਸੀਨ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰਾ ਬੂਆ ਮਾਫ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹਾਂ ਸੋਹਣਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਫਰਮਾਓ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੀਸਰੀ ਹਦੀਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਮੇਰੀ ਸ਼ਫਾਤ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਬੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਫਾਤ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਮੰਨੇ ਬੋਲੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਬੂ ਆਖਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਣਾ ਅਕੀਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ ਅੱਜ ਵੀ ਨਬੀ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਤੋ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਦੇਰ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਸਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾ ਜੋ ਮਿਲਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਲੱਭੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਔਲਾਦ ਲੱਭੀ ਘਰ ਲੱਭਾ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭੀ ਲਿਬਾਸ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਪੇ ਲੱਭਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਿਲ ਗਿਆ ਖੁਦ ਤੋਂ ਕਰਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਝ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਿਤਨਾ ਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਖੋਲ ਖੋਲ ਮੂੰਹ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਮੁਝ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਦਿਆ ਸਰਕਾਰ
हर बंदा हर बंदा आखे ना अपने आप नूं आखो जितना दिया सरकार मुझको जितना औलाद इज्जत मां प्यो बरादरी कुनबा कबीला घर बार सब कुछ मिलिया ते नबी दे सदके विच साडा काबा यार दियां गलियां हाय 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 हदीस दा मफहूम पेश कर रहे हैं हदीस चंगियां ने अर्श परी कोलों मदनी दिलदार दियां गलियां शेर जौक वाज़े हदीस का मैं खुलासा पेश किया फरमाए मेरे खातो मिंबर तक सारे टुकड़ा जन्नत आए उथे तके वजदे ने उथे तके वजदे ने लाइना जे जिन्होंने उमरा किया उन्होंने मुखातब जनाज किए ने अल्लाह तुहानू सब नू लै जाए लाइना लगी होंदियां ने रियाजुल जन्ना च बंदियां दियां कि उत्थों जिहड़ा है एक बंदा फारग हो जाए तो उहदे पिछे सौ बंदा खलोता हुंदा है वी यार मैनूं मौका दे मेहरबानी कर थोड़ा जिहा टाइम दे क्योंकि नबी पाक दे बारगाह दे अंदर सख्ती नहीं सख्ती नहीं है किसी की मजाल उत्थे उच्ची गल करन दी नहीं वो बिल्कुल आहिस्ता उत्थे ते किसी की मजाल नहीं उच्ची गल भी कर जे उत्थे ते बा यजीद जे भी दम नहीं मार दे किहड़ा करेगा मदहा सराई हजूर दी चुप करके लोग हौली हौली आने यार मौका दमी मैनू दो नफल पढ़न का लाइना लगी हुई ने नफल पढ़ जिथों नबी का घर शुरू हुंदा है हाय 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 नबी दे घर तो जन्नत शुरू हुंदी है तो नबी दे मिंबर तो मुक जांदी है हाय हाय इंशाल्लाह इंशाल्लाह जन्नत की जो तखयलात तसव्वुरात कुतुब च उलमा ने बयान अपनी थां उन्होंने सलाम है इस्तदलाल का मैं हक रखना नहीं इस्तदलाल का तुम हक है ना मैं ना मेरे नबी दी सारी जन्नत की है नबी दे घर तो लग के ते नबी दे मेंबर दा इन्नी जन्नत है ऐने हुण जिन्ने जन्नत जाना है उन्होंने मदीने जाना पैना है नबी ये नहीं आख्या मक्के च जन्नत है मक्के च बड़ी शान है काबा उथे जमजम उथे सवा मरवा उथे बड़ा पर ये नहीं आख्या जन्नत पर मैं मां बहन बैठी व मिंबरी रोजा तुम मिन रियाजिल जन्ना मेरा काटे मिंबर है दे दरमियान जन्नत है पर मैं मदीने आओगे तो फिर जन्नत ये मक्के वापस आ जाए मक्के तो टूट जाएगा जन्नत नहीं जान लगा जोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह तो अगे फिर चल रहे बात वाल तो पकड़ जाए जिथे इंज कर लो जिथे नबी पाक सजदे विच सर रखन हाय हाय जिथे मेरा नबी सजदा करे ते हुसैन मोढ़ियां ते बह जाओ उन्हें जन्नत आंदे ने क्योंकि आज कल मौला हुसैन तख्तशी हो गए जन्नत के जवानों के सरदार अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत हुजूर ने कहा तो कहा मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ हुसैन तख्त पे कैसे बैठेगा वो तख्त भी बेमिसाल होगा बैठने वाला भी बेमिसाल होगा तो कहा प्रैक्टिकल यही हो जाता है क्या नाने के कांधों पे हुसैन बैठे फरमाया देख लो नाना भी बेमिसाल है बैठने वाला बादशाह भी बेमिसाल है जोर से बोलिए सुभान अल्लाह इसके अलावा गुजारा नहीं दरे हुसैन पे आने के बगैर गुजारा नहीं है भाइयों और फिर वही जन्नत है जिसमें मौला हसन अपने नाना जान के कांधों पे बैठे ये वही जन्नत है वही जगह है जहां मौला कायनात के कदम लगाए हैं ये वही जगह है जहां सदीक अकबर ने इमामत कराई है ये वही जगह है जहां फारूक आजम ने इमामत कराई है ये वही जगह है जहां उस्मान गनी ने इमामत कराई है ये वही जगह है जहां सहाबा ने कदम लगाए हैं तो सहाबा जब घर से चलते थे तो नीयत ये होती थी दीदारे मुस्तफा होगा नमाज तो होगी दीदारे रसूल भी होगा जन्नत के मजे भी हो जाएंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
और इसके मुत्तसिल कहना कि नहीं जी असी नहीं मदीने जाते, वो तेनू सदिया ही नहीं। नबी दरख्तों को इशारा करे तो दरख्त चल के आ जाए। बोलो मेरे घर मेरी इजाजत तो बगैर बंदा नहीं कुवाड़ सकता, तुहाडे घर नहीं कुवाड़ सकता। मैं बुआ मिलाया हो अंदरों तो आखे जी मैं इधर घर ही नहीं गया। बुआ खंड गए तू चवड़ा पे, तू उन्होंने बुआ लिया उन्हें आप तेन दाखला ममनू किया। आखिया जी असं मदीने नहीं जाते तो मेरे नबी ने बूहे बंद किए हुए हैं। दरवाजा वो तो खुलता है, दरवाजा उस पर खुलता है जो हजूर को जिंदा मानने वाला होता है। बात दूर निकल फिर मां लाग दे काजल वाले महबूब ने फरमाया मदीने की मिट्टी जड़ी है वो कोड़िया ठीक कर देंगी है। बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े जनाब मेडिसन ईजाद हुई है दुनिया के अंदर, अज तक कोड़ की बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकया, नहीं कर सकया। जजाम डॉक्टर साहब ठीक है वो जो वक्ती तौर पर वो इलाज नहीं कर सकया। ईसा रूहुल्लाह के दौर में अलैहि सलाम जब ये मर्ज उरूज पे गया तो हकीम अल्लाह अकबर तमाम जितने हकीम थे वो सब आजज आ गए कि हम नहीं इलाज बना सकते इसका कोड़ का, ये दोनों कैसे ही नहीं बना सकते। ईसा रूहुल्लाह फरमाया मैं कर रहा हूं। जनाब ईसा रूहुल्लाह ने अपना लुआबे दहन ला के कोड़े ठीक किए। हाय हाय ईसा रूहुल्लाह ने जेड़ा हकीम इलाज नहीं कर सके, ईसा रूहुल्लाह अपना लुआबे दहन ला के कोड़े ठीक किए। तो जेड़ा कम ईसा अलैहि सलाम का लुआबे दहन करता है मेरे नबी के शहर की मिट्टी कर जाती है। हाय हाय बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया मदीना तैयबा की मिट्टी कोड़ का इलाज है, जजाम का फरमा मर्ज का इलाज है। जिजे शेख मुहक्की फरमाते पे ने मैं मदीना शरीफ अंदर गया मेरे जिसम तक फोड़ा निकल आया, मैं बड़े हकीमा तबीबा को गया आराम ना आया, मैं ख्याल आया तैं नशा फिर ना है। हजूर जो आखे ये कोड़ वास्ते जवा है। शेख मुहक्की शाहबुल हक मौसे दिन भी रहमतुल्ला फरमा मैं मिट्टी लई पानी च घोल के उस बोड़े लाई, उस वे निशान भी खत्म हो गया। हाँ उतो निशान भी मुक गया। पर मैं कला जन्नत ही नहीं लभदी, बीमारा शुकामा भी लभदिया ने, बे औलादियां औलाद भी लभदी है। रोजा ही मामूल मेरे आका का रोजा है मुसलमान भाइयों, हजूर दी बारगाह है। चलो एक बात करके फिर तुम कबरे मुस्तफा ते रोजा रसूल ते ले चलने हैं। गौर करना जरा जड़े 90% से अबा ऐसे सन जो तो हजूर हिजरत करके आए, 99% जिहड़े सरकार नूं बह के वेखी जाना तक तक मेरे नबी का हुसन देख कर वो ईमान लाए, इखलाक देख कर ईमान लाए। मेरे आका ने कहा दुनिया में सबसे बदबخت वो शख्स है जिसके इखलाक अच्छे नहीं होते, और जो मुतकब्बर हो वो अल्लाह को पसंद नहीं, मुतकब्बर पसंद नहीं, बद इखलाक। उन्होंने कहा ये बद इखलाक जो होता है बदतरीन होता है। तो मेरे नबी का इखलाक वे को लोग मुसलमान हो गए। दुश्मन थले चादर बचाते फिरते ने, दुश्मन थले मेरे नबी ने चादर बछाइया ने। बंदा बद मजहब सी गैर मैं तवालत नहीं जाना चाहता, बद मजहब सी गैर मजहब तो मेरे नबी को रात रहा। हाय हाय इतने ला के वे लो कि मौलवी पूरा उतर दे देता है, गल्ला बड़िया कर दें भी ला के वेखना कि किरदार मुस्तफा के किरदार वर्ग है। बद मजहब से मनता ही नहीं हजूर न, कलमा नहीं पढ़िया सरकार का, तो उन्हें जरा वाशरूम कर दिता बिस्तर के उत्ते, बिस्तर के उत्ते करके निकल गया। मकसद की से हजूर की तौहीन माजल्ला वेखना जान के करके तो निकल गया कि मैं माजल्ला हजार बार तौबा निकले गुफर गुफर नबाशत इजदा करके जिस चला गया। थोड़ी दूर जाके किसे कम का चेता वापस आया तो अगो मेरे नबी का बिस्तर धो रहे सन। हाय 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 बोलो 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 मेरे आका दा जिस उहदा बिस्तर धो रहे सन, वेखिया नबिया का ताजदार ते दुश्मन का गलीज बिस्तरा धो रहे अपने हथां दे नाल। लोगों को लड़ाई झगड़े पर उकसाने वालों मरना है कि अल्लाह की बारगाह में जाना है, क्या मुँह दिखाओगे।
لوگوں کے بچوں کو خراب کرنے والا لڑائی پہ اکسانے والوں تم نے مرنا ہے ایک دن، ہزاروں من مٹی کے نیچے جانا ہے۔ سب سے مخاطب ہوں، کوئی سیاستدان ہے، کوئی مولوی ہے، کوئی اور بھی، اگر لوگوں کے بچوں کو خراب کر کے لڑائی جھگڑوں پہ اکسا کر لیڈری چمکانے والوں تمہیں پتہ نہیں کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں؟ جنہوں نے ویکھیا بھی میرا، انہیں ویکھیا بھی میرا خلاص میں واش روم کیتا ہے بستر تے، اے نبی پاک تو رہے نے، بس اسی ویلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایسی فارغ سے ہزارہ، میں تے بطور ایگزامپل ایک بات کیتی، ہزارہ گلاں ایسی ہیں، بلکہ امام الانبیاء تشریف لے کے جا رہے ہیں مسلمان مدینہ پاک دی گلی، مدینہ شریف دی گلی، نہ صحابہ دی جماعت، صحابہ دی جماعت، مسلمان صحابہ دی جماعت جاندی بھی حضور دے نال نال، اگے میرا نبی تے گرمی دا موسم ہے، مسلمان بھائیو اگے اگے سرکار جائے، پیچھے پیچھے صحابہ جا رہے ہیں۔ میرے لئے ویکھو ادھر کی ہو گیا، تو اگے گئے سرکار، پیچھے پیچھے سے آبا جا رہے نے، اچھے پیا موہے دیس بلاو، ایوی میرے ذوق سے آگے بابا دنہ بعد کافی کرے زمنا آگی بات ہے نالے اپنی ذوق علی گال لے، اچھے پیا موہے دیس بلاو، ہند میں جی گبراوت ہے، ہائے ہائے یا رسول اللہ سانو بلا لو اپنے مدینے تھے دل نہیں جی لگتا، اچھے پیا دیس بلاو، دیس بلاو، اچھے پیا، پڑھ لو گے مل کے، یہ مطلب حضور سانو مدینہ شریف بلا لا، چھٹو فرقہ وریت لڑن پہ جو لڑائی جھگڑے جاؤ مدینہ شریف دعا کر دیں سارے رل کے، مل کے ذرا پڑھ لو، اچھے پیا موہے دیس، اچھے پیا موہے دیس بلا، ہند نے جی گب راوت ہے، اچھے پیا موہے، اچھے پیا موہے دیس، یہ مطلب سونے لجپالا سانو مدینے بلا لا، یہ مطلب ہے، اچھے پیا موہے دیس، ہند میں جی گب راوت ہے، جب سے نینا تہے سنگ لاگے، جب سے نینا تہے سنگ، جب سے نینا تہے سنگ، مدینے دیا تاجدارا نظر کرم فرماؤ، ساڈی اولاداں وی تہاڈیاں غلام، ساڈیاں ماواں غلام، ساڈے پیو غلام، نانکے دادکے تیرے غلام نے، سونے مالکاں نوں غلاماں تے کدی نہ کدی تے رحم آئی جاندا ہے، مہربانی فرماؤ، جب سے نینا تہے سنگ لاگے، نیند نہیں اب آوت ہے، اچھے پیا موہے ہند میں جی گب راوت ہے، جب سے نینا، بہرحال مسلمانوں حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، ماں زاگ دا کاجل وتو ہا دا چہرہ حامیم دے کنڈل بدران دا ٹکڑا حضور تے سایہ کردا جاندا ہے، ٹردیاں 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 ایک عورت اپنے دروازے چ کھلوتی ہوئی ہے، انہیں حضور نو آواز ماری، انہیں آخیا محمد میری گل سن جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کھلو گئے نے مسلمان بھائیو، مائی نے گل شروع کر دیتی، بے مقصد گل، گل دا سر پیر کوئی نہیں، گلاں کری جاندی ہے، سرکار سنی
सुनी जाते ने, माई गल करी जाती है, सरकार सुनी जाते ने, माई गल करी जाती है, हजूर सुनते जाते ने। सियापा गुस्सा आ रहा है, इस माई की गल भी कोई नहीं, हजूर धुप्पे खड़ा किया होया है, हजूर धुप्प में खलोते हुए ने। एक सियापी ने हजूर का हाथ चुम के आखिया, या सजदी या रसूल अल्लाह, छावे आ जाओ सोने, छोड़ो इस माई ने, पागल औरत है, मखबूतल हवास औरत है, यदि तो सुनता ही कोई नहीं। हजूर ने फिर मैं की आना पिया, हजूर सारे मदीने अंदर ये लोगों को आवाजा मारती रही है, यदि सुनता ही कोई नहीं। मेरे आका फरमाया, मेरे गुलामो जी कोई ना सुनियो दी मैं सुनता हूं। फरमाया जी कोई ना सुनियो दी मैं सुनता हूं ना, जी कोई ना सुनियो दी मैं सुनता हूं ना। फरमाया ओ मदीना शरीफ अंदर जिदी कितने नहीं सुनी जाती, मेरा यार सुनेगा, औलाद नहीं तो मेरे यार की बारगाह के अंदर आ जाओ, रिजक नहीं तो मदीने आ जाओ, गुनाहगारो तो मदीने आ जाओ, आओ मदीना शरीफ अंदर रब आंदे पियो, यानी मेरे यार की बारगाह के अंदर आ जाओ। जे मेरा यार सिफारिश करेगा फिर रौला ही नहीं रवेगा, फिर मैं जन्नत का सर्टिफिकेट उस वेले मिल जाएगा। जोर ना बोलो सुभान अल्लाह, उस वेले जन्नत मिल जाएगी। उस वेले ही बोलो, उस वेले ही जन्नत मिल जाएगी। तो सियाबा जी मुहब्बत सी ना, मुहब्बत सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने तो अभी ये चक्कर च पै गए ना, फलाना वाबी है, देवबंदी है, शिया है, सुन्नी है, इस ये चक्कर च पै गए। ये सियाबा नहीं कहलाया, बरेलवी देवबंदी शिया वाबी सियाबा नहीं कहलाया, सियाबा गुलामे मुस्तफा कहलाते, असहाब रसूल मुसलमान कहलाते थे। आगे ये इसका भी इनकार नहीं करता, अब अपना अपना मामला है। मैं तो मजाजन मजबन हुसैनी हूँ, मजहब हुसैन है और उस मजहब से ताल्लुक़ है जो मजहब बताता है सहाबा और आले रसूल की मोहब्बत। जोर से हर बंदे का अपना अपना आइडियल होता है, मैं कि बंदा दीवार कर देता भी नहीं, हर बंदे का आइडियल है। मेरा आइडियल हुसैन है, तुहाड़े आइडियल तुहाड़े वालदैन होंगे, पीरो मुर्शिद होंगे, उस्ताद होंगे, या कोई बंदा कोई सियासतदान होगा। मेरा आइडियल हुसैन है, मेरे लीडर वर्गा तो माँ ने जमी है कोई नहीं, ना जी माँ ना जहाँ कोई पुत्र है कायम, ना ये जी कोई माँ ना जहाँ कोई पुत्र है, ना है सी ना होना है, ना है ना होना है, ना पीछे गुजरे ना है, ना माजी ना हाल ना मुस्तकबिल, होना ही नहीं है। अल्लाह हाय हाय हाय, वाह भाई वाह। सियाबा का तरीका है, एक एक सियाबी ने आना, बड़ा माड़ा गरीब से बंदा, मफलूकल हाल से, उन्हें बाहरों की करना, शहद वाली दुकान में शहद लैके ना बोतल तो हजूर की बारगाह पेश कर देनी, तो शहद रख के तो सारा दिन बह के वेंदे रहना, सारा दिन टिक टिक बन के हजूर वेंदे रहना, वेखी जाना वेखी जाना वेखी जाना, सारा दिन वेंदे रहना, सारा दिन वेखी जाना, सर बदुहा चेहरा हाफ मुंह कुंडल, सारा दिन हजूर वेंदे रहना, रोज़ आना शहद की बोतल रख के बैठे रहना। एक दिन शहद आखन लगा दुकान वाला, वो पैसे भी दे रोज़ शहद लै जाना, शहद भी लै लिया तो बंदे बहु फड़ के तो हजूर की बारगाह च लै के आ गए। पर मैं कौन है या सुला ऐसे भी पैसे दे दो, पिछले भी पैसे दे रहे। हजूर हस पे मुस्कुरा पे, मैं की किया अंदर, हजूर गरीब सां ते एवें सोने शहद ते बहाना रिजल तेन वेखन का निशाना, हाय 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 गरीब सां, हाय हाय सोने माड़ा सा गरीब सां, माँ साग ते काजल वाले पैसे नहीं सर, मैं तेरी बारगाह को तोहफा पेश कर सकता, बस हजूर इन्ना सी कि लैके आ जाना, तो मैं बहन तुहाड़ी बारगाह शहद का बहाना ला के सारा दिन बह के तुहानू वेंदे रहना। हजूर मुस्कुरा के पैसे भी दिते तो हजूर सीने दे नाल मिला लिया। ये वो सहाबा का तर्ज है, मैं जिंदगी था वो जो हजूर पे हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, रहन सहन हर चीज़ नबी पाक दे नाम पर उन्होंने कुरबान से असहाबे रसूल का। अगे चलने फिर वक्त का दामन तंग होंगे, फिर फरमाया जाना के जुलम करने वाले मेरे यार दी बारगाह के अंदर हाजरे खिदमत हो दो। ते आने वाला सैयद अहमद रफाई, सैयद अहमद रफाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजूर दा रोजा
ਤੇ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਸਨਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਲਾਮ ਭੇਜਣਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਆਉਣਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਦਿਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਸਾਖ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਿਆ ਮਹਬੂਬਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪ ਆ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਸਮ ਆਇਆ ਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਤਾਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਏ। ਜਿਸਲੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੋਹਣਿਆ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਲਈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ 50,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਰਫਾਈ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਦਸਤਬੋਸੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਦ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਰਜ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁਰਦਾ ਦੇ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਈਓ। ਇਮਾਮ ਸਿਉਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੂੰ 72 ਵਾਰੀ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਤੇ ਬਿਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ, ਜਾਗਦਿਆਂ 72 ਮਰਤਬਾ ਇਮਾਮ ਸਿਉਤੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ 72 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਨਬੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੋ ਸਹੀ, ਨਬੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਬੀ, ਜਿਸ ਗੁਲਾਮ 'ਤੇ ਮੇਰ, ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਆਏ ਦੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਉਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਚਾਹੁਣ, ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੋਵੇ, ਭੈਣੇ ਕਮਲ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਹਿਰ ਫਿਰਕਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਣ ਪੈ ਕੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਮਦੀਨੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਮੇ ਮਾਲਕ ਵਰਗੇ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਮਾਮੇ ਮਾਲਕ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਗ ਤੋਂ ਜੁਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਕੁਰਾ ਵੇਖਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਵੇ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਸਰ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਬਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਵੋ ਮਦੀਨੇ ਮੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ਼ਕ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੇ ਵੋ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨ ਵੇਖੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਦਸਿਆ ਅਲੀ ਪੀਰ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਅਮੀਰ ਮਿਲਤ, ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੱਗ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ, ਕਿਸੇ ਰੋੜਾ ਮਾਰਤਾ ਪੈਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰੀ, ਪੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲੈ, ਆਈ ਅਸਲ ਦਸਤਾਰ ਹੈਂ, ਇੰਜ ਬੰਨ ਲੈਣ। ਜਿਸਲੇ ਬੰਨੀ ਪੱਟੀ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਲਾਗੋ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਾਊਦ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਦਾਊਦ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਤੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ? ਫਰਮਾ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੈੜਾਂ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜਾਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲੇ, ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਮਹੱਲੇ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਸੱਜਣਾ
ਦੇ ਕਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਸਜਣ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਏ ਆ ਕੇ ਆਖੀਏ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਸਜਣਾ ਦੇ ਕਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਆਸ਼ਕ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਯਾ ਸਈਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਗੁਲਾਮ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਲ ਜਾਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਮੀਰੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਤਾਜਦਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਮਦੀਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋ ਜੇ ਸੋਹਣਿਆ ਗੁਲਾਮ ਤੜਪਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਓ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਖੀਏ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖ ਓਏ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਵਲੀ ਗੌਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੇ ਵਲੀ ਗੌਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਓਏ ਵਲੀ ਗੌਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਮਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਅਬਦਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਲੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਦੀਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੌਧਰੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਸੋਹਣਿਆ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜੰਮੇ ਗਫੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਵਲੀ ਗੌਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲੇ ਭੇਜੋ ਕਿਨੇ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੋ ਵਲੀ ਗੌਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਝੁਕ ਝੁਕੀ ਪੈ ਵੇਖ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਿਆ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ ਪਿਆ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਪੁੱਛਣੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਪਿਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਖਤਾਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਬਦ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ਬਖਤੀ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਜ਼ਾਕ ਦੇ ਕਾਜਲ ਵਾਲਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮਹਬੂਬ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਿਆ ਗਵਰਦਨ ਨੂੰ ਖਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਜਾਮੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਲੈ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਮੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੇ ਕੁਦਰਤ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਆਮਤ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਜਾਮੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ ha ha ha
इंज जाइदा ही मदीने। बोलो सुभान अल्लाह। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? इश्क के रसूल पैदा कर, खराब ना कर मिंबर तो बह के लोगों को मोहब्बत रसूल दी शमा रोशन कर लोगों के सीने च। उलमाए कराम लोग तुहाडे तो मुहब्बत का सबक हासिल करना चाहते हैं। लोग आपसे वो उम्मीद लेके आते हैं घर से कि हम जब वापस आए तो आंखों में आंसू हों और लबों में दुरूद व सलाम हो। दुरूद व सलाम लबाते हुए मसीते आवे तो दुरूद व सलाम पढ़ता आवे, वापस जावे तो फिर भी दुरूद व सलाम पढ़ता ही जावे। आखिरी बात आई थी गुफ्तगू दी करने, अल्लाह अकबर, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, बरेली दा ताजदार, वाह, मदीना शरीफ गए, मदीना शरीफ, मदीना, वाह सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ गए ते सामने बह गए मवाजा शरीफ दे जालियां दे सामने, पंजाबी तब जालियां दे सामने बह गए। आख्या सोनिया मैं वापस नहीं हो जाना जब तक मैनू दीदार ना करवा दे। ऐ माण कुछ कीता होवे ते फिर माण हुंदे ने, हैं कुछ कीता होवे यार वास्ते फिर माण हुंदे ने, फिर माण ना आखी दा ना मैं शाय लैके जानी है। इच बेद भी नहीं है, मुहब्बत है। सोनिया मैं दीदार करके जाना है, रात गुजर गई सोना ना आया, रात गुजर गई सोना ना आया। दो रात कागज़ कलम उठाया, ख्याल आया है कि मैं कमली वाले महबूब की नात लिखा। बोलो सुभान अल्लाह, हजूर की नात लिखा। तो नात जो बंदा पढ़ता है ना सरकार खुद सुनते हैं, बस दिन चल नात खान जो नात पढ़ता है तो नबी पाक इस्लाम खुद सुनते हैं, समात कर दें सरकार ना श्री वजूर खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, कह ला कागज कलम उठाया तो नात की लिखते पे अल्लाह। वो सुबे लाल हजार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। मात लिख दें बड़ी लंबी ना शरीफ, अखां जान सु रातां लंघ दियां जांदियां ने ते लिखदे पता की ने, सुभान अल्लाह, लाखों कुदसी हैं कामे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। आखिरी मकता लिखिया जिस लेते अखां च आंसू ते रो रो के लिखदे पैने, कोई क्यों पूछे तेरी बात रिजा। एडा वड्डा बंदा हो गया एडी नफी, एडा वड्डा बंदा एडी नफी, वड्डे बनने वास्ते छोटे होना पैंदा है। अपने आप ना वड्डा नहीं आखीदा, वड्डे बनवा छोटा होना पैंदा है। लिखते की मैंने मुसलमान भाइयो, कोई क्यों पूछे तेरी बात रिजा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। अदीरा दवे लाया है पहलू अख लगी फिर खुली, मेरे आला हजरत अजीम बरकत रहमतुल्लाह ताला ले अख लगी मुसलमान भाइयो, आलमे खा मंदर वतुहादा चेहरा आमीन दे कुंडल
ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੋਹਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਲਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਆ ਜ਼ਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਸਾਨੀ ਸੌਣ ਬੁਚਿਆਣਾ ਮੰਡੀ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੁਚਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਫਿਆਜ਼ ਤਬੱਸਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਲਸਾਨੀ ਸੌਣ ਮੰਡੀ ਬੁਚਿਆਣਾ।